मैं संजय धाकड़ ग्राम मोहदा से ग्राम पंचायत उमर। मेरी समस्या है कि हमारे ग्राम मोहदा में शमशान घाट जाने के लिए रास्ते में कीचड़ होता है और बहुत पानी भरा होता है। बारिश को लगभग 15 दिन हो गए चुके हैं तो भी पानी भरा हुआ है और कीचड़ है। इस पर हमने शिकायत भी की सरपंच सचिव से पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे गाँव में एक मौत हो गई, उसमें भी हम गए तो बहुत परेशानी उठाना पड़ी। पानी में लेके निकलना पड़ता है करीब 400 फीट तक, इसलिए उसको जल्दी से उसका सुधार किया जाए। सरपंच मंत्री को हमने 50 बार मौखिक से बोल दिया लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम किनालाल धाकड़ ग्राम पंचायत उम्बर गाँव मोहदा से हूँ और हमारे शमशान घाट जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब है, बहुत कीचड़ है। आज एक दुखद मौत होने से हमको वहाँ जाना पड़ा, जहाँ बहुत ही कठिनाई से जाना पड़ा। और मेरे खेत का उमर ग्राम पंचायत के अंदर जावद विधानसभा में मुआवजा जो ग्राम है वहाँ पर स्थिति है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली शव यात्रा को पानी और कीचड़ के बीच लोगों को ले जाना पड़ रहा है। अभी आपके द्वारा जांच की गई, मैं पता कराता हूँ कि रोड क्यों नहीं बनी, यानी आरसीसी रोड स्वीकृत हुई, स्वीकृत होने के बाद भी क्यों नहीं बनी। यदि स्वीकृत होने के बाद भी रोड नहीं बनी तो सरपंच सचिव कार्रवाई की जाएगी और वहाँ की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी यदि रोड खराब है तो। पूरा सर्वे करेगा पूरा ग्राम अपने जावद विधायक जो है उनसे हमारी चर्चा हुई, उनका कहना है कि ग्राम पंचायत का मामला 1,80,000 रुपये वहाँ स्वीकृत हो चुके हैं एक साल से। मैं पता कराता हूँ स्वीकृत होने के बाद भी रोड क्यों नहीं बनी। तो सर ग्राम पंचायतों को जो प्रावधान देता है क्या उसमें किसी की अनुशंसा लगती है? ग्राम पंचायत को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए जो नियम है वो क्या कहता है? नहीं तो नियम वो तो शमशान घाट में रोड तो बननी है, आरसीसी के द्वारा रोड तो बननी है, डीपीआर में शामिल करके रोड बनाने का प्रावधान है। दिक्कत है रोड किस कारण से नहीं बन पाई है। अभी जो हालात हुए तो क्या समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? 15 दिन समाधान करते हैं।